हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द ऑड ट्रिंग। काफ़ी अरसे से कंगना रनौत की थलाइवी लाइमलाइट में है और लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस और तमिलनाडु की 6 बार सीएम रह चुकी लेजेंडरी जयललिता की बायोपिक है। फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये फिल्म कितनी हिट है हम आपको बताते हैं। आज से करीबन 35 साल पहले तमिलनाडु की सियासत में जयराम जयललिता का उदय हुआ था। पहले माता पिता का संघर्ष को देखा, फिर सिनेमा का, और सिनेमा से निकलकर पॉलिटिक्स की ऊंचाइयों को छूने की ये कहानी फिल्मी तो नहीं लेकिन किसी फिल्म से कम भी नहीं। जयललिता ने बहुत छोटी उम्र से ही स्ट्रगल शुरू कर दिया था। उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन मजबूरी के चलते उन्होंने काम किया और कुछ टाइम बाद ही वो फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हो गई। फिल्मों में नाम होने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और वहां भी सबका दिल जीत लिया। बहुत लोग ऑलरेडी स्टोरी से फैमिलियर हैं, एज पब्लिक डोमेन में है। अपने फॉलोअर्स के लिए अम्मा, मेंटर्स के लिए आमू और अपनी पार्टी के लिए थलाइवी मानने वाली जयललिता के हर लेयर में कंगना रनौत खड़ी उतरी हैं। स्टोरी की बात करें तो ये वहां से शुरू होती है जब जयललिता को करुणा पार्टी के लोगों ने बदतमीजी करके जमीन पर गिरा देते हैं। उस टाइम ही जयललिता कह देती हैं कि वो इसी विधानसभा में सीएम बनकर लौटेंगी। उसके बाद स्टोरी पास्ट में जाती है जहां जयललिता के एक्ट्रेस बनने का स्ट्रगल और साउथ के स्टार एमजे रामाचंद्रन की लव स्टोरी को दिखाया है। इंटरवल के बाद जयललिता के सीएम बनने की कहानी को दिखाया है। ये पूरी स्टोरी में जयललिता के स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफर है और कैसे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के चलते भी उनने हार नहीं मानी और अपने पैशन से सबका दिल जीत कर सीएम बन गई। रिव्यूज की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, डायरेक्टर विजय ने आयरन लेडी को बखूबी दिखाया है। 70s-80s का बैकड्रॉप हो या एमजीआर के निधन के टाइम की भीड़ वाले सीन बहुत अच्छे से पिक्चराइज किए हैं। फिल्म में कंगना के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए डायलॉग बहुत अच्छे से लिखे हैं। IMDb ने थलाइवी को 6.8 रेटिंग दी है, लेकिन थिएटर हर जगह नहीं खुले हैं। आप ये मूवी महाराष्ट्र और केरला में नहीं देख पाएंगे, लेकिन दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई में ज़रूर देख सकते हैं। सो ऐसे में बाकी के फैंस क्या करें? तो ऐसा सुनने में आया है कि थलाइवी OTT पर भी रिलीज हो सकती है। अभी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, जब तक थलाइवी पर 45 डेज का एम्बार्गो है। अगर प्रोडक्शन हाउस मान जाता है तो आपको ये मूवी जल्दी OTT पर भी देखने को मिल पाएगी। अगर ऐसा होता है तो नेटफ्लिक्स ने हिंदी वर्जन के राइट्स लिए हैं और प्राइम वीडियो ने तमिल और तेलुगु के। थिएटर रिलीज को 2 वीक्स का विंडो मिला है, तो नेटफ्लिक्स पर ये 24 सितंबर के आसपास देख पाएंगे। और अगर आप मूवी ऑलरेडी देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।